ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुखीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का महीना आरंभ काल जो है वो किस प्रकार का रहेगा आपको समझना चाहिए। शुक्र बुध आपकी राशि के अनुसार से लग्न में बैठकर ये जो योग बना रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सही दिशा, सही विचार सही समय पर मन में आता दिखाई देगा। लेकिन कहा जाता है ना कि कहीं यार क्या होता है, महत्वाकांक्षा झटका दे देती है, तो ध्यान रखना भैया। ये समय ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद ला के नहीं, जिस स्थिति पर है वर्तमान में रहते हुए यदि काम कर पाओगे, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, सपनों में ना रहें। सपने फंसा देते हैं कई बार, सपने आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं, लेकिन इन दिनों ग्रह नक्षत्र जो योग जो है मना रहे हैं इस वक्त, वो ऐसी स्थिति दे रहे हैं कि बियॉन्ड सोचना, अपनी चादर से बाहर जाकर सोचने में, विचार करने में और दाव लगाने पे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें, देखिए चमत्कार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सोच जमीन पर रखने का प्रयास करना चाहिए। इस समय आपको विशेष तौर पर सिंह राशि वालों, सूर्य प्रधान राशि सिंह है और सूर्य महाराज इस वक्त कहीं ना कहीं आपको झटका दे सकते हैं। जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, कोई भी रिस्क लेने वाला काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, ध्यान रखते हुए कार्य करने, सूत्र समझने तो अच्छा रहेगा। 1 अगस्त बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बन रहा है, पॉजिटिव योग बन रहा है। बस ध्यान रखने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि सीमा को पहचानते हुए कार्य करें। सफलता के योग बहुत बढ़िया तरीके से आपकी राशि में बन रहे हैं, लेकिन जिद समस्त कार्यों को बिगाड़ सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वक्त हमारे जीवन में ये बात समझें, जो कष्ट आते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म से आते हैं, और यदि विजय मिलती है वो भी हमारे कर्म से ही हमको मिलती है। शनि महाराज इन दिनों हमको थोड़ा सा जिद्दी बना रहे हैं और सूर्य हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा, हमारे बियॉन्ड वाली वो जो चीज़ें सपने हमको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न ना करें। तो समस्त पुण्यों को जगाने के लिए, दोषों से मुक्त होने के लिए प्रदोष का योग है, बृहस्पतिवार प्रदोष का योग बन रहा है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है, ज्ञान को संचय करने का प्रयास करें, आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, दूध में थोड़ा केसर मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शाम का समय अद्भुत रहेगा, सूर्यास्त के बाद ये प्रदोष काल है, प्रदोष तिथि है, बृहस्पतिवार, तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। करिए या करवाइए, खुद कर सकें तो बहुत अच्छा। भगवान शंकर का ऐसे में रुद्राभिषेक कहा जाता है कि भगवती पार्वती और भगवान शंकर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रदोष काल में भ्रमण करते हैं, और जो उनका पूजन करते हुए, यज्ञ करते हुए, अभिषेक करते हुए मिलते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। या तो अपने नाम से कराइए या खुद करिए। शाम के समय इस काल को छोड़ने का प्रयास न करें। सूर्यास्त होने के बाद करीब करीब जो 40-45 मिनट का समय, ये प्रदोष शुद्ध प्रदोष काल होता है, और ऐसे में इस प्रदोष तिथि में, गुरु प्रदोष की तिथि में, ये मुहूर्त का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा समय महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे इस सावन के महीने में सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मासिक शिवरात्रि रहेगी, सोमवार रहेंगे, सब जगह रुद्राभिषेक नृत्यपति रहता है, अपने नाम से करा सकते हैं। उस कार्यक्रम में खुद सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर नृत्यपति 8 बजे तक ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, ग्रहों की स्थिति जो आपकी राशि के अनुसार समझे, मंगल बृहस्पति हो के साथ सफलता वाले भाव में बहुत सुंदर योग बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त मंगल अपने पूर्ण शुभ प्रभाव में नहीं है। 5-6 दिन बाद वो पॉजिटिव प्रभाव दे देगा, अगस्त के मध्यकाल में जाकर वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन तब तक आप थोड़ा शांत होकर काम करें तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि है, शिव का अभिषेक जल से अवश्य करें, गंगा जल से करें। बम बम बोले की ध्वनि पूरे भारत में इस वक्त गुंजायमान है, हर कोने में कांवड़िया भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए सुंदर कार्य कर रहे हैं। ये मूर्खता नहीं है, ये कहीं भी अंधविश्वास नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा का समर्पण है, और भगवान साक्षात श्रद्धा विश्वास के स्वरूप में है, और जो श्रद्धा विश्वास से भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा, सोचें इतने किलोमीटर की यात्रा भक्त करके, सुंदर व्यवस्था, केवल एक लोटा जल लेकर आने के लिए, जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो श्रद्धा के साथ उस सुंदर पवित्र जल को लाकर भगवान शंकर पर उड़ेल देता है। सोचें वो पुण्य का पर्व है, वो जल जो है वही मनोरथ सिद्ध करता है। भगवान शिव
कहा जाता है समस्त सत्ता इस वक्त उनके हाथ में है। भगवान विष्णु के विश्राम शेषैया पर विश्राम पे जाने के लिए 4 महीने तक भगवान को तथास्तु कहने में टाइम नहीं लगेगा। श्रद्धा के साथ ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, इसको विश्वास रखें। 3 अगस्त शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है और इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में वक्र होकर बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट का योग बना रहे हैं वक्र स्थिति में, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और अभी 4 महीने तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद यहीं बैठेंगे करीब करीब अप्रैल तक, अगले साल के अप्रैल तक। तो ध्यान रखें शनि का उपाय सिंह राशि वालों ज़रूर करने का प्रयास करें, नहीं तो अननेसेसरी परिवार में अशांति, स्वयं को थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। शनि महाराज जिस प्रकार से बैठे हैं, चंद्रमा परिवर्तित होकर कर्क में आ गए हैं, अब वो कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ा रहे हैं। तो इस शुभ तिथि का लाभ कैसे लिया जाए? अमावस्या आने वाली है, शनि अमावस्या का सुंदर योग थोड़ी देर के लिए बनेगा, तो ऐसे में आज ये उपाय अवश्य कर लें। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले थोड़ा सा एक पीपल का पेड़ लाएं और अपने हाथ से शुद्ध स्थान पर, देवस्थल पर या कहीं विशेष तौर पर शुद्ध पवित्र जगह पर उसको रोपित करने का प्रयास करें और उस पर जल अवश्य डाल दिया करें। रविवार को छोड़कर नित्य प्रति थोड़ा जल डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ये उपाय शनि को अनुकूल करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अन्यथा शनि आपको जिद्दी बना देंगे। और इन दिनों करीब करीब नवंबर मध्य तक तो ये बहुत ही ख़राब चल रहे हैं आपके लिए, इसका उपाय लगातार करने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो सब स्वग्रह एक तरफ और शनि का समस्त नेगेटिव प्रभाव एक तरफ, मार्केश वाले भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठना, ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की भी ज़रूरत दिखाई देती है। महामृत्युंजय मंत्र का जब भी करते रहें वो अच्छा रहेगा। 4 अगस्त रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि और उस दिन रवि पुष्य योग, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सर्वार्थ सिद्धि योग, नया मुहूर्त आरंभ करने के लिए तो ओवरऑल ठीक ही दिखाई देता है। नया कार्य कोई बहुत आवश्यक हो तो आरंभ कर सकते हैं, आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग रहेगा, लेकिन अननेसेसरी के खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने के लिए विशेष ज़रूरत दिखाई देती है। और जो लोग काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से नया सौदा कर रहे हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होकर ना काम करें, जमीन पर सोच रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य को जल दें और ये आपके सूर्य के दोषों को हरेगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सिंह राशि वालों, महत्वाकांक्षा मत करना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लाए काम करने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन थोड़ा शांत होकर बैठिए, उसके बाद प्रैक्टिकल वे में काम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 5 अगस्त सोमवार का अवसर, सावन का महीना चल रहा है, सोमवार का सुंदर योग है और ये सावन का महीना इस बार सोमवार से ही श्रवण नक्षत्र से आरंभ हुआ और सोमवार पर ही समाप्त होगा, श्रवण नक्षत्र पर ही समाप्त होगा। ऐसे में तीसरा सोमवार आ गया है, बहुत सुंदर योग बना रहा है, लेकिन बुध थोड़े वक्री होने जा रहे हैं इस दिन सुबह 10:30 बजे के आसपास। ये बुध का वक्री होना आपकी राशि में बैठकर थोड़ा सा आपको ऐसा स्थिति उत्पन्न करेगा कि ऐसे नहीं तो वैसे काम कर लेते हैं। कई बार ऐसा स्थिति हो जाती है कि जब सीधी तरह से काम नहीं बन रहा है तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए गलत मार्ग पर चले जाते हैं, दुर्भाग्य का उपयोग बन सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। देखिए, हमारे जीवन में सुख और दुख जो भी आते हैं हमारे कर्मानुसार आते हैं। यदि पुण्यों का अकाउंट भरा रहे तो कहा जाता है कि हमेशा सुखी होते हैं, कष्ट भी आते हैं पता नहीं कल निकल जाते हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आने बन जाए तो समझ लो हमारे अकाउंट में सुखों का जो पुण्य है, पुण्यों का अकाउंट है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, टटोलना पड़ रहा है। तो ऐसे में शुभ योगों में लगातार कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही शुभ योग बन रहा है सोमवार, सावन का सोमवार, अन्य श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक कीजिए और हमारे यहाँ नित्यपति वो चली रहा है, आप खुद करिए, करवाइए योग ब्राह्मण के द्वारा, नमक चमक के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा अवश्य भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। संसार में जिसने पुराणों का मत पढ़े, उपनिषदों का मत पढ़े, जिन जो भगवान शंकर के सानिध्य में गए, उन सब के जीवन में सुख का योग, समृद्धि का योग, कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना। और शिव जिस पर एक बार कृपा कर देते ना, सदा उसके साथ रहते हैं। जब तक वो सदकर्म करता रहता है व्यक्ति, उसके साथ भगवान शिव सदैव बने रहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट आ रहे हैं तो आप सदकर्मों से दूर हो गए हैं, तो इन शुभ तिथियों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखें सूर्य कहीं ना कहीं इन दिनों फंसाने का योग बना रहे हैं और ये आपके पुण्यों पर डिपेंड करता है, आप फंसोगे कि या निकल जाओगे, तो अवश्य सुंदर भगवान का ध्यान सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आज चंद्र दर्शन का योग भी बन रहा है इस दिन 5 अगस्त को, तो बड़े गुरुओं का आशीर्वाद, चंद्र दर्शन पूजन करके, चंद्र दर्शन करके अवश्य लेने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। 6 अगस्त मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि रहेगी, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बार समझें, सिंह में चलते हुए चंद्रमा आ गए हैं और सिंह में चलते हुए चंद्रमा आपको नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, नई उत्साह बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उत्साह तो पॉजिटिव है, ऐसे में दुस्साहस भी हो जाता है, बस दुस्साहस से करने से बचना है आपको।
बैलेंस रहे, नया विजन दिखाई देने के योग दिखाई देते हैं, उस विजन का लाभ करते हुए कार्य करना अच्छा दिखाई देता है आपके लिए। और इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का थोड़ा कृपा करने का प्रयास करें। मंगल शुभ बृहस्पति का योग जो है और मंगल पीछे चलते हुए अननेसेसरी थोड़ा सा अशांत कर रहे हैं मन को, उसको ठीक करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं। और इस सुंदर योग पर विवेकानंद योग आश्रम में जैसा हमने आपको कहा कि रुद्राभिषेक नित्य प्रति चल रहा है, तो मंगलवार का योग भी आ गया है तो सुंदरकांड का कार्यक्रम भी रहेगा, जो शाम को 6 बजे से रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए रात को भंडारे के साथ सवामणि के भंडारे के साथ समाप्त होगा। तो आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली खुरेजी में स्वयं भी आ सकते हैं, अपने नाम से करा भी सकते हैं, उसके लिए संपर्क साध सकते हैं फ़ोन नंबर्स पर। 7 अगस्त बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ वाणी संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने का योग देता है, जो ग्रहों का योग चल रहा है इस वक्त इस प्रकार का है कि बहुत जल्दी रहेगी अपने कमिटमेंट को करने की, सोच समझ के कमिटमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं वाणी इस प्रकार से हो सकती है कि बहुत जल्दी बिना सोचे समझे महत्वाकांक्षा को देखते हुए विचार ना करते हुए कार्य आगे निकल जाए, फिर कष्ट हो जाए। बुधवार का अवसर है, ऐसे में शहद के द्वारा भगवान का अभिषेक करने से, भगवान को विशेष तौर पर बिलपत्र अर्पित करने से ये दोष मुक्त होने के योग बन सकते हैं, अवश्य इसका लाभ लीजिए। 8 अगस्त महत्वपूर्ण दिवस है, परिवर्तन का, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुंदर स्थापित हो गया है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बड़े बूढ़े का, माता जी, पिताजी का, गुरुजन का आशीर्वाद लेकर यदि कार्य करोगे ना तो बहुत सुंदर रहेगा। चावल का दान, खीर का भोग भगवान को लगाना समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला रहेगा। 9 अगस्त शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य अभी भी लगातार आपको महत्वाकांक्षा की तरफ अग्रसित कर रहे हैं और शनि जिद पर अड़ाए हुए हैं और कोई और चीज़ आपको देखने दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र पॉजिटिव हैं, बस थोड़ा सा बैलेंस होकर, थोड़ा सा रुक कर काम करने का प्रयास करें, विचार कर काम करने का प्रयास करेंगे तो लाभ कमा सकते हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 10 अगस्त शनिवार का अवसर है, शनि को मनाइए साहब, ये शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि क्योंकि इन दिनों 4 महीने तक आपके अस्त वक्री स्थिति में चल रहे हैं और नवंबर तक रहेंगे, तो ऐसे में सावन का योग है तो अवश्य एक काम करने का प्रयास कीजिए, तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करेंगे, शुभ होगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से जब हम गणनाओं को समझते हैं तो उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में क्या कुछ पड़ रहा है वो अच्छे समझ में आ सकता है और उसी के परिवर्तन के रूप में यदि हम कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कर्म को बदलने का प्रयास करें तो जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा का निदान भी मिल सकता है, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और हजारों लोगों ने इसका लाभ लिया है। ज्योतिषी गणनाएं बता देती हैं कि आने वाले समय में कैसा समय आपके लिए रहेगा और उसी के अनुसार से यदि हम जीवन में रास्ता मार्ग परिवर्तन कर लें तो अपने जीवन में हर्ष, उल्लास, आनंद के मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। हमने आपके समक्ष में आपकी जन्मपत्री, आपके प्रश्न को समझते हुए, साथ साथ आपकी ग्रह गणना की राशि के अनुसार समझते हुए जो कुछ समय का को समझते हुए आपके समक्ष रखा है वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, काल गणना ज्योतिष की जो है वो कई प्रकार से की जाती है, एक तो जन्मपत्री के हिसाब से की जाती है, एक गोचर के हिसाब से की जाती है और अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक मत उसके संबंध में उपस्थित किए हैं। उन समस्त मतों को एक साथ यदि अध्ययन के रूप में रखा जाए तो उससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केवल जानने को नहीं बदलने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकता है। ऐसे किसी भी विज्ञान का फायदा नहीं है जो केवल बता दे ऐसा ऐसा होने के योग है लेकिन परिवर्तन का रास्ता ना बनाए। रेमेडियल एस्पेक्ट जो है वो ज्योतिष का बिल्कुल प्रत्यक्ष है और आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग केवल इसी बातों कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं परिवर्तन कर सकते। नहीं, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने भाग्य जो बनाया है वो अपने कर्म से ही बनाया है और हम भाग्य जो है, समय जो है, उसको बदलेंगे भी अपने कर्म के अनुसार से। और एक बात समझ लीजिए, हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में हमने देखते हैं कई बार हमने बिल्कुल गलत भी किया तब भी हम बच के निकल जाते हैं और कई बार क्या समस्या होती है, हमने कुछ भी गलत नहीं, किसी व्यक्ति ने कोई गलत नहीं किया तब भी वो परेशानी में फंस जाता है। क्या है, खेल है आपके शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का। जब आपको लगे कि आप वहाँ बच के निकल गए तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए, कहिए कि हाँ हमारे पुण्य कर्म थे जो हमारे वो आगे और वो हमारे जीवन में शुभ हमको दे गए। इसलिए पुण्यों का अकाउंट जो है वो हमेशा भर के रखने का प्रयास करें। और कई बार जो देखे जाते हैं जब जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है और उसमें आवश्यकता है बहुत जल्दी से भरने की। इसलिए जो शुभ कर्म हमेशा
कैसे भी, जब भी अवस्था मिल जाए, कैसे भी राज मिल जाए, वो करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने छोटे छोटे उत्सवों का निर्माण किया। ये सावन का प्रभाव है, ये भादों का प्रभाव है, ये जन्माष्टमी है, ये राखी है, ये अनेक उत्सव हैं, ये प्रदोष का व्रत है, ये सत्यनारायण का व्रत है, ये सब के सब आपको सात्विकता की तरफ ले जाते हैं, पुण्यों को उदय करने की तरफ ले जाते हैं। सुबह शाम आपके हाथ से कुछ निकल जाए, दान आ जाए, दिया लिया सामने आ जाए, तो आप मान के चले कि आपके बहुत पुण्य भाग्य उदय करने के रूप बनते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस संसार में आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास करेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने दिल पे हाथ रख के समझ लीजिएगा, क्योंकि आपने भी इसको प्रभाव को समझा होगा, जीवन में बहुत बार देखा होगा। तो ये सारा का सारा खेल भाग्य का है। कई बार हम बोल देते हैं भाग्य का खेल, लेकिन भाग्य बनता कैसे है वो भी तो हमको सिद्धांत समझना चाहिए। इस संसार में नास्तिक लोग जो है ना, वो आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास है इस संस्था की तरफ से आपको सही रास्ता, सही मार्ग बताने का प्रयास करें, और जो लोग समझ लेते हैं सही मार्ग पर, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में, और कार्य को लाभ की तरफ, आनंद की तरफ जीवन में अग्रसर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान की गणनाओं को जो हमने आपको बताया है, इसको सीरियसली लेने का प्रयास कीजिएगा, और यदि कुछ परिवर्तन कर पाए तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का रास्ता बना और आगे बढ़ने का रास्ता बना। हमारी संस्था विवेकानंद योग आश्रम पिछले करीब करीब बहुत लंबे वर्षों से इस संस्थान को चला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यहाँ नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय संस्कृति पर शोध करने का कार्य करते हैं। आप भी संस्था से जुड़ सकते हैं, आश्रम से जुड़े। हर रविवार को यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बड़ा विशेष कार्यक्रम रहता है, यज्ञ रहता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और इन सावन के महीने में तो पूरे महीने का रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। समय समय पर हम आपको अवगत भी कराते रहते हैं। हर रोज़ करीब करीब शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे सावन के महीने में सामूहिक तौर पर जो लोग आश्रम में पधार कर स्वयं रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। और कहीं दूर बैठे हैं और अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सुंदर व्यवस्था है। आप फ़ोन पर संपर्क कर उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। और भगवान शिव की सुंदर आराधना शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से भगवान का स्नान कराते हुए, षोडशोपचार पूजन करते हुए, सुंदर रुद्राभिषेक का, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हों, देखिएगा प्रभु की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।